आज हमारे अध्ययन का बिंदु है ग्रेसम का नियम। इस नियम का प्रतिपादन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार सर टॉमस ग्रेसम द्वारा किया गया था। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने शासनकाल में बहुत से नए एवं पुरानकाय सिक्के जारी किए ताकि ट्यूडर शासकों के समय चालू किए गए निकृष्ट सिक्के व घिसी हुई एवं कटी पिटी पुरानी मुद्रा का परित्याग कर लोग नई मुद्रा ग्रहण कर ले। परंतु अनुभव बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। नए एवं पुरानकाय सिक्के जारी होने पर भी पुराने एवं निकृष्ट सिक्के चलन में रहे और नए एवं पुरानकाय सिक्के चलन से धीरे धीरे गायब हो गए। अंततः इसका पता लगाने के लिए ग्रेसम को नियुक्त किया गया। ग्रेसम ने सर्वेक्षण के बाद में स्पष्टीकरण किया कि भूरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, पर अच्छी मुद्रा भूरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती। यही ग्रेसम के नियम के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेसम के नियम के अनुसार जब असीमित विधि ग्राह्य वाली श्रेष्ठ एवं निकृष्ट मुद्राएं साथ साथ चलन में हों, तब कुछ समय बाद निकृष्ट मुद्राएं श्रेष्ठ मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। इस नियम के अनुसार बहुमूल्य धातु से निर्मित मुद्रा, नवीन व पुरान मूल्य तथा वजन के सिक्के, परिवर्तनशील मुद्रा व समान आंतरिक एवं अंकित मूल्य वाली मुद्राएं श्रेष्ठ मुद्राओं की श्रेणी में आती है। इसके विपरीत पुरानी एवं निकृष्ट धातु की मुद्रा, घिसे हुए सिक्के, अपरिवर्तनीय मुद्रा तथा असमान आंतरिक एवं अंकित मूल्य वाली मुद्राएं निकृष्ट मुद्राओं की श्रेणी में आती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रेसम का नियम ये बतलाता है कि अगर किसी देश में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। ग्रेसम के नियम की ढीली ढीली व्याख्या के कारण डॉक्टर मार्शल ने उसकी सीमा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यदि भूरी मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं है तो वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। यानी अगर भूरी मुद्रा कम मात्रा में हो तो ग्रेसम का नियम लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रोफेसर केंट के अनुसार जब किसी देश में दो प्रकार की मुद्राएं बाजार चलन में रहती है और बाजार में उनके मूल्यों में अंतर होते हुए भी सरकार द्वारा उनके मूल्यों में समानता घोषित कर दी जाती है तो जिस मुद्रा का मूल्य अधिक घोषित हुआ है वह कम मूल्य घोषित मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी केंट के अनुसार वह मुद्रा अच्छी मुद्रा है जिसका बाजार मूल्य अधिकृत मौद्रिक मूल्य से अधिक होता है। ग्रेसम का नियम मानव की इस प्रवृत्ति पर आधारित है कि वह
बढ़िया वस्तुओं को अपने पास संग्रह करना चाहता है, जबकि घटिया वस्तुओं को वह देना चाहता है। समाज में सभी व्यक्तियों की इसी आचरण के कारण अच्छे एवं पुरनकाय सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं और केवल घिसे हुए वह खराब सिक्के चलन में रह जाते हैं। इसके बाद में हम ग्रीष्म के नियम के लागू होने वाले कारणों के बारे में देखते हैं। ग्रीष्म के नियम के लागू होने के मुख्यतः तीन कारण है। पहला, अच्छी मुद्रा का संग्रह करना। दूसरा, अच्छी मुद्रा को पिघलाना। तीसरा कारण है अच्छी मुद्रा में विदेशी भुगतान। सबसे पहले हम देखते हैं अच्छी मुद्रा का संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने में प्राय लोग नए पुरनकाय तथा अच्छे सिक्कों का ही संग्रह करते हैं। कागज के नोटों में भी अच्छे नोटों को अपने पास रखना चाहते हैं। इससे अच्छी मुद्रा तो चलन से गायब हो जाती है और केवल निकृष्ट सिक्के एवं फटे पुराने नोट ही चलन में रह जाते हैं। दूसरा कारण है अच्छी मुद्रा को पिघलाना। धातुमान में जब कुछ सिक्कों में दूसरों की अपेक्षा अधिक धातुओं या सिक्कों में उनके मौद्रिक मूल्य से अधिक धातु हो जाए तो लोग सिक्कों को गलाकर बाजार में धातु के रूप में बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुरनकाय सिक्कों के गलाने में निकृष्ट सिक्कों की अपेक्षा अधिक धातु मिलती है। तीसरा है अच्छी मुद्रा में विदेशी भुगतान। अच्छी मुद्रा में विदेशी भुगतान विदेशी भुगतानों में मुद्रा के आंतरिक मूल्य का महत्व होता है, क्योंकि एक देश की मुद्रा का मौद्रिक मूल्य दूसरे में वैधानिक ग्राह्य नहीं होता। अतः विदेशी भुगतान में पुरनकाय और नए सिक्के दिए जाते हैं, या दूसरे देशों में अगर उस धातु के सिक्कों का मूल्य अधिक लगाया जा रहा हो तो निर्यात कर दिए जाते हैं। इस प्रकार अच्छी मुद्रा का संग्रह करने, उनको पिघलाने और उनका विदेशी भुगतान में निर्यात करने से नए एवं पुरनकाय सिक्के लुप्त हो जाते हैं, जबकि निकृष्ट सिक्के व पटी पुरानी मुद्रा ही चलन में आती है। इन कारणों से ग्रीष्म का नियम लागू होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं ग्रीष्म के नियम की परिसीमाएं या ग्रीष्म के नियम के अपवादों को। सबसे पहला अपवाद या सीमा है निकृष्ट मुद्रा की अपर्याप्त पूर्ति। यदि देश में भूरी मुद्रा की पूर्ति सीमित हो तो भूरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेगी और इस परिस्थिति में ग्रीष्म का नियम लागू नहीं हो पाएगा।
दूसरा है बैंकिंग व्यवस्था की पर्याप्त प्रगति। जब देश की बैंकिंग प्रणाली इतनी विकसित हो जाए कि लोग सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन, बैंक चेक, ड्राफ्ट आदि साख पत्रों से करने लगे, तो अच्छी बुरी मुद्रा का भेद ही समाप्त हो जाएगा और ग्रेसम का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है खराब मुद्रा का स्वीकार योग्य न रहना। जब खराब मुद्रा इतनी खराब या निकृष्ट हो चुकी है कि उसे स्वीकार करना संभव न हो, तो इस परिस्थिति में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होगा। चौथा है मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। जब देश में अच्छी तथा बुरी मुद्राओं की कुल पूर्ति अगर देश में व्यवसाय व विनिमय के माध्यम की मांग से कम है, तो अच्छी और बुरी मुद्रा दोनों चलन में रहेंगी। अर्थात बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेगी और ग्रेसम का नियम क्रियाशील नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान होने के कारण भी ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। छठा है भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र व उद्देश्य। जब देश में प्रचलित प्रमाणिक मुद्रा तथा सांकेतिक मुद्राओं के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न हो, अर्थात बड़े सौदों के लिए प्रामाणिक व छोटे छोटे सौदों के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग होता हो, तो उद्देश्यों की भिन्नता के कारण दोनों प्रकार की मुद्राएं साथ साथ चलन में रहेगी। अर्थात सांकेतिक सिक्के बुरी मुद्रा होते हुए प्रामाणिक मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेंगे और इस परिस्थिति में ग्रेसम का नियम भी लागू नहीं होगा। इन कारणों के अलावा कुछ कारण और भी है जिससे ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। जैसे यदि निकृष्ट मुद्रा का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाए, तो उस परिस्थिति में भी ग्रेसम का नियम लागू नहीं होगा। और यदि जनता द्वारा अच्छी और बुरी मुद्रा में भेद न किया जाए, तो भी ग्रेसम का नियम लागू नहीं हो पाएगा।